मैं नहीं पीता, मुझे तो पिलाना। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? लड़ लो, टाइम हो गया है, टाइम 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 1:33 हो गए हैं और फिलहाल हमने आज 2 बजे दिन में 2 बजे कहा था कि हम कहीं राइड पे जाएंगे, मन में आया बोल दिया, तो अब हम जा रहे हैं उत्तराखंड। अब मुझे ये नहीं पता उत्तराखंड में कहाँ जाएंगे, थोड़ा बहुत पता है, उसके बाद का कुछ नहीं पता। फिलहाल हम निकल रहे हैं एक अनडिसाइड लोकेशन पे। फिलहाल हम यहाँ से जाएंगे रोहतक, रोहतक से जाएंगे दिल्ली, चलते जाएंगे। चलो चलते हैं, पैकिंग वैकिंग हो गई, श्री राम जी के गाने चल रहे थे, बड़ी मोटिवेशन आ रही है, मज़ा आ रहा है। अबे मज़े लो, चश्मे भी ले लेते हैं, टशन मारने के काम आएंगे। तो राइड का फर्स्ट कदम, हमेशा हवा प्रेशर चेक करो, बिकॉज़ पिछली बार जब मैं ऋषिकेश जा रहा था तो यहाँ पे हवा ठीक नहीं थी, टायर का डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज हो गया, फिर उसके बाद सबकी उसके बाद कभी ठीक नहीं होता। तो बताओ कैसी लग रही है दोनों? ये देखो क्या हो रहा है, अगर आप होते तो यहाँ पे डर नहीं लगता आपको? सारी लाइटें ब्लिंकिंग कर रही हैं, सारी लाइटें। फिलहाल मैं रोहतक से थोड़ा सा पहले हूँ, मुझे लगा कि कुछ दिखाना चाहिए, भाई मेरी तो नहीं फटी। अगर तू भूत नहीं अगर ऐसा कर रही है तो कैमरे में जरूर रिकॉर्ड हो जाए। अभी तो फिलहाल कोई दिख नहीं रहा, सोलो राइड हूँ, सोलो राइड पे है। भूतनी आंटी बाय बाय, आप कंटिन्यू लगती रहे, ठीक है? ओ भाई जबरदस्त, पता नहीं रियलिटी में क्या चीज है, समझ नहीं आ रहा, सॉरी रिफ्लेक्ट कर रही है, सॉरी की सॉरी। बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा। 3:43 हो गया रोहतक से, हम लगभग लगभग 5 या 10 किलोमीटर दूर है। हम जा रहे हैं रोहतक, रोहतक से हमने लेना है लूब एंड क्लीनर पेट्रोलिन का, क्योंकि हमारे पास जो लूब है क्लीनर है तो अपने पास, बट हो सकता है कि कम पड़ जाए, सो एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। यो क्या है कोथली? यो क्या है ले हैं? रेस कम, ठीक है, गैस कर रहे सर, ऑर्डर कर दूंगा। ओ भाई फौजी साहब ने तो शक्ल ही बदल दी डब्बे की। तो फाइनली पहुंच गए भाई फौजी ढाबे पे, और भाई रहे यहाँ पे रहा, ये खिलाएगा अपने को पनीर पराठा, पनीर प्याज। तो 2-3 पराठे खा के जाओगे भाई, आगे का कोई भरोसा नहीं, अपने रुकने का नहीं, रुकने का तो फिर सीधा उत्तराखंड में रुकेंगे। ये छोरा एक नंबर का नौकति। फाइनली एक पराठा ख़त्म, यहाँ पे नए सब्सक्राइबर जुड़े, इसार के ही है। नाम क्या आपका? दिनेश कुराना। दिनेश कुराना, पुराना फ्लावर डेकोरेशन। बोले हम फैमिली ब्लॉग्स देख रहे हैं, माँ मेरे बोले में तो बाहर के नज़ारे जरूर मिलेंगे, तो भाई देखेंगे अब घर पे बैठ के। अब तो जरूर देखेंगे सर, क्योंकि पूरी फैमिली देखेगी, हमें तो अच्छा लगता है यूट्यूब पे ये ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। धन्यवाद सर आपका, आपसे मुलाकात हुई हमारी। तो भाई एक और पराठा आ रहा है, 2 खा के चले कम से कम। ठीक है डनमन, मिलते हैं फिर। लो भाई चलो, फिलहाल अभी तक हम घर से चले हैं 122 किलोमीटर, पेट पूजा हो चुकी है, अब काफ़ी टाइम तक शरीर मांगेगा नहीं। वैसे तो मेरा शरीर नहीं मांगता, मेरा सिर दुखता है जब मैं मुझे भूख लगती है और आपका भाई खाना नहीं खाता, और फिर शाम को पता लगता है, ओ बेटे सिर दुखन लग गया, मतलब तने अपनी धोती खुलवा ली। ये लाइट कभी भी बिना लेके जाते ही नहीं, मतलब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम नहीं है तो चस्ती क्यों है? मैं बताता हूँ, इसकी कार बना जाता है और कार बनाते ही ये लाइट जस जाती है, तो फिर बेनेली वाले मीटर वीटर लगा के फिर ठीक कर देते हैं, फिर आ जाती है, फिर ठीक कर देते हैं, फिर आ जाती है, इसलिए मैं करवाता ही नहीं। जा मारे लेख है तू डैश खा, हमने कोई परेशानी नहीं। कुंडली मानी सर हाईवे से लेफ्ट ले लिया हमने, सुबह भी हो गई है, और यहाँ से जाना मैं गढ़ मुक्तेश्वर होते हुए मुरादाबाद होते हुए, और बस
बेकार आदमी दे रहे हैं। फिलहाल मैं पहुंचा हूं गढ़ मुक्तेश्वर, तो बस यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा था क्योंकि मेरे दादा दादी नहीं है, वो यहीं है। मेरे दादा बहुत अच्छे थे जो इस दुनिया में अब है नहीं, काश होते। हो गए पैसे तुम पे तो ना है, वो तो हो गए ना हुए होगी जेब गरम होगी। अरे ऐसी तो पता ना कितनी गरम कर दूं जेब। अच्छा चाय पी होगा, वो गरम चाय पी होगा दूसरी बार। अभी पैसे ना, अभी तो चढ़ा हूँ। रात को भी होगा ना, जब भी मिल जाए जब भी मिले। भाई हमारा बराबर का है, जवान बालक है, एक नंबर है। एक नंबर की वजह से तो भाई इतना टाइम दे दिए। मैं नहीं पीता, मुझे तो पिला पीता तो मैं तेने बोतल काट के दे देता। बाइक कैसी लगी? अरे बाइक में तो खुश होकर तो मैं रुका हूँ। अच्छा बाइक का तो खुश हो रहा है। चला ठीक है, 500 रुपए थोड़ा सा दिया हुआ पूर्ण। बड़े बड़े पापों को नाश कर देता है। यो नाश रात न ठाओगा तू? 500 रुपया हम धुमा ठाओगा तू रात न? नुपुआ मार मार के साल भर का त्योहार है, 20 साल से तुम्हारी सेवा में है। ए, मैं देख त्योहार के दिन करता बाहर हूँ। फिर तेने पौवा लाऊंगा मैं अगली बार आड़े मिले पौवा लाऊंगा। कौन सा पियोगा? आज की बात करे, आज की किन के हाथ में जा रहा है? अबे 150 रुपए में तेरी कितनी बड़ी अलग कटेगी? अच्छा एक गरीब की सेवा करके जा रहा है, एक भिखारी की। भिखारी कोई ना है बाबा, उधर मछली तैरन लग रही। इसमें तो बहुत बड़ी बड़ी मछली है, भैंस के बराबर। जितनी बड़ी भैंस हो गई ना, भैंस के बराबर मछली। हाँ भैंस के बराबर मछली है इसके अंदर। सुहेल नाम है उसका। सुहेल देखिए तने तुम्हारी बड़े ना आयो मैंने बेरा, तू रात ने पैक मारेगा। साल भर का चल मारूंगा। अच्छा नहीं तो बता दे ब्रांड कौन सा मारेगा। है बाबा बाबा अब बाबा नहीं तो बता दे पैक कौन सा मारेगा, मतलब कौन सी ब्रांड मारेगा। ना पसंद कौन सी ब्रांड है? इंग्लिश इंग्लिश में कौन सी? रॉयल स्टैग। डांस करके और दिखा दे एक बार, डांस करके दिखा दे। भाई बाबा थोड़ी डांस करे, बाबा तो मंत्र मार रहे हैं, बाबा डांस ना करते। ठीक है बाबा मार मंत्र। ओ भाई बाबा भी फुल मजे ले रहा। बस बाबा की फेवरेट है रॉयल स्टैग। बाबा ही मारा है रात ने रॉयल स्टैग का पौवा। अरे कितने कूण में जाकर लुक जाएगा। एक चीज है, चलो बाबा झूठ तो ना बोलता, बोला मारूंगा तो मारूंगा, झूठ ना बोलता। मारेगा तो पुआ मारूंगा।
बढ़िया बहुत बढ़िया, मूड फ्रेश कर दिया बाबा ने अकेले होने के बावजूद। मार दिया, अरे बिटी चौदो मार दिया। फिलहाल हमने जो मेन हाईवे वो छोड़ दिया और हम घुस गए हैं रामपुर की तरफ। तो रामपुर से जाएगा यहाँ से रुद्रपुर, रुद्रपुर से खटीमा। ओ भैया रुद्र यही जाएगा रुद्रपुर। 500 किलोमीटर डन हो चुके हैं फिलहाल, टाइम हो गया 11:28। ये कौन सी जगह है? नाना सागर कॉलोनी। नानक सागर कॉलोनी। इसके पीछे ये क्या है? ये डैम है। है डैम है। आप वहाँ पे किधर से आए? सीधे हाईवे। मैं इधर से आया हूँ। आप यहाँ पे आए होते तो यहाँ पे पार्क आपको मिला होता। चलो ठीक है, 1 किलोमीटर पे डैम है। आई थिंक पहुँच चुका हूँ। अच्छा ऐसे ही पार्क बना रखा। ओ भाई साहब सही हुआ हम यहाँ आए वापस 1 किलोमीटर। तो ये सीन है यहाँ पे, ये है यहाँ पे ये पार्क जो कह रहे थे घूमने का पार्क है यहाँ पे। ओ भाई क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, नए सीन देखने का मजा ही कुछ हो रहा है यार। सॉलिड फाइनली 500 किलोमीटर चलाने के बाद कुछ तो दिखा। क्या बात है, बिल्कुल ब्लू है, ब्लू पानी। यहाँ पे ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, वहां पे ब्लू दिख रहा है सारा। आई थिंक यही है नानक जी का कुआं, बाकी मुझे पता नहीं है, पूछना पड़ेगा। कपड़े कैसे? कपड़े क्या पहनेंगे? पच्चीस। एक ही काफी है। कहाँ गया? मैं हिसार से, हरियाणा हिसार। आप किधर से हो? मैं तो हिसार। अच्छा ये कुआ है भाई, नानक जी का कुआ ऐसा है यहाँ पे। कुएं में पैसे ना डालें जी। देख लो भाई ये कुआ। दो चिट्टे आंखों में, दो चिट्टे हेलमेट पे, अपना तो हो गया काम। जब मैं थोड़ी देर पहले आया था तो ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत देर तक यहाँ पे बैठ सकता हूँ, बट फिलहाल यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा हो गई है। मतलब नज़ारा अल्टीमेट है, बहुत अल्टीमेट है। नानक जी का जो कुआं था वहाँ भी गया था, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ जो नानक जी की लेक है बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, ऐसे दिखेगी नहीं। ड्रोन से देखते हैं और फिर चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। Start a fight, never know who's wrong or right. Feel nothing when you go. I
no, it's not intelligent, drinking for the hell of it. But that's irrelevant now, we should talk about us. How come we're holding on? Cause really I don't see the benefits now. And you've broken my trust, so I just wonder, why do I fall back to you? Really nothing I can do about it. Why do I fall back to you? It's like you're a drug to me, I can't quit. It's not like we're still 22, trying something new, just a pastime. I don't think that we ever could work this out. None of it makes sense, there's no reason why. Why I still fall back to you? लो भाई, ड्रोन शॉट तो ले लिए, बट जो मैं लेना चाहता था वो कुछ खास नहीं है, बिकॉज जो अंदर था वो बिल्कुल वाइट वाइट सा धुंधला धुंधला हो रहा है. और जो इस रोड के लिए बस वो ही ले पाया, बिकॉज उसके दूसरी में अगर ले रहा था तो वाइट वाइट सा हो रहा था, कुछ दिख नहीं रहा था, क्लियर नहीं हो रहा था, तो कुछ ज़्यादा साफ नहीं आया ड्रोन शॉट. बट जो रोड का है वो थोड़ा सा ठीक ठाक आया है. और अब यहाँ से जाना है तनकपुर. तनकपुर यहाँ से है 40 किलोमीटर. ये है खटीमा और तनकपुर रोड है. बहुत ज़्यादा रश है भाई, दिवाली का रश चल रहा है दबा के. अभी पीछे छोटा सा चेक पोस्ट आया था, छोटा सा था, वहाँ पे 3-4 गाड़ियाँ रुकवाई हुई थी, बट बाइक मेरी वाली नहीं रुकवाई. हाँ, मुझे पता नहीं वहाँ पे शायद एंट्री वेंट्री करवा रहे होंगे नाम वाम के, चेकअप वेकअप का तो पता नहीं. मैं तो सीधा सीधा निकल आया, मेरे को किसी ने हाथ नहीं दिया ना मेरे को रुकवाया. क्या बात है भाई, क्या बात है. नेपाल सामने है, उत्तराखंड में हम हैं, फीलिंग ही अलग आती है. आगे नहीं है ये क्या जुगाड़ है भाई? कौन सा? ये गोप्रो है. गोप्रो गोप्रो इससे वीडियो बनती रहती है. कितनी स्पीड पे चल रही, क्या है? नहीं, कोई बेवकूफ सामने आ जाए तो पुलिस वालों को देने के लिए प्रूफ है. क्योंकि ये तो इंडिया है ना, यहाँ पे बनी थोड़ी बहुत. हाँ, फद्दू रूल होते हैं ना यहाँ पे. तो होटल बता दो कोई ढंग का सा. कल फिर दारचूला. दारचूला यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से 4-5 किलोमीटर. कितना? 300. रोड कैसा? अच्छा है भाई. होटल रूम में पहुँच गए, शक्ल के तोते उड़े पड़े हैं. थोड़ी सी कमर सीधी करूँगा, 550 किलोमीटर चला दी, कड़की वाट लगी पड़ी है, तो थोड़ा सा मुंह हाथ धो के कमर सीधी करके मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में बात. सो पेश करते हैं नज़ारे, उठने के बाद के नज़ारे, बिकॉज मैं अभी उठाऊँ. और ये काली नदी और एक और नदी है मिलके, शायद शारदा नदी, पता नहीं कौन सी नदी बनी हुई है. तो ये प्रॉपर काली नदी नहीं है, काली नदी आ गई दारचूला के पास. वहाँ पे बहुत तेज, मतलब बहुत नीचे उतर गया है. चित्र लेना मना है, चित्र लेना मना है तो क्या पूछे वहाँ जाके. हम तो वैसे ही मुंह पे गोप्रो लगा के घूम रहे हैं भाई. लोकेशन पे तो पहुँच के बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा, मतलब मज़ा ही आ गया. लेकिन दिक्कत यह है कि आगे नेपाल बॉर्डर है और आगे हमारे 2-3 आर्मी के बंदे बैठे थे, तो यहाँ पे ड्रोन उड़ाना अभी ठीक नहीं होगा. और ऊपर से अंधेरा भी हो चुका है, कुछ ज़्यादा खास आएगा भी नहीं. तो आपको वैसे ही मैं कैनन से सीन दिखा देता हूँ, अल्टीमेट वाले, देखना और बताना कैसे हैं. Start a fight, never know who's wrong or right. Feel nothing when you go. I know it's not intelligent, drinking for the hell of it. But तो क्या हाल है लाडलों के? 8:05 हो गए हैं. वैसे मैं सोच रहा था कि आज वीडियो एडिट कर देते हैं, बट मुझे नहीं लग रहा कि वीडियो एडिट कर पाऊंगा, बिकॉज 8 बज चुके हैं, शायद 10, 11, 12 बजे.
तो कोई पॉसिबल तो टाइम है नहीं कि कितनी देर में हो जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब थोड़ा सा बाहर घूम के आता हूँ, फिर उसके बाद सोएंगे, मस्त मज़े करेंगे, बिकॉज सुबह अगर लेट उठा तो फिर सारी दिन खराब जाएगा। सुबह जल्दी उठेंगे, टाइम से उठेंगे, चलेंगे, बढ़िया रहेगा। कुछ जुगाड़ भी करने जिससे ड्रोन मैं अपने बैग वैग में डाल लूँ, बिकॉज झटके वगैरह बहुत लग रहे हैं, कहीं ड्रोन को कुछ हो गया तो हार्ट अटैक आ जाएगा भाव जी, सहन नहीं कर पाएंगे हम। तो फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं। वैसे मैं सोलो हूँ तो थोड़ा सा मेरे को महसूस होता है, क्योंकि मेरे को दोस्तों में ज़्यादा रहना पसंद करता हूँ मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, चला लेंगे काम, देखते हैं मतलब ये ट्रिप मेरा कैसा जाता है। फर्स्ट डे है, कल सेकेंड डे होगा, बस बने रहे अपने लाडलों के साथ। चलो मैं घूम के आता हूँ, तब तक आप नेक्स्ट वीडियो के वेट करो।